तो हे एवरीवन, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम आपको सिखाएंगे कि शाही टुकड़ा घर पे कैसे बनाते हैं। तो चलिए दिखाते हैं हम आप सभी को। यहाँ पे आपका ब्रेड का वो स्लाइस कट रहा है, छोटे छोटे पीसेस में स्लाइस कट रहा है आपका। यहाँ पे अपना फॉर्च्यून तेल है, उसको गर्म करने के लिए रख दिया गया है। और यहाँ पे ये ब्रेड का जो टुकड़ा है, इसको इस पीस में काट लेते हैं। इस पीस में काट लेंगे तो यही जब फ्राई होगा, डीप फ्राई होगा, तो वो खूब बड़ा इनराज हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग जो ब्रेड का स्लाइस कटा हुआ है, उसको डालेंगे तेल में, फ्राई करेंगे। इसको एकदम फ्राई करेंगे जब तक एकदम क्रिस्पी और लाल ना हो जाए, ब्राउन हो जाए ना, क्रिस्पी ब्राउन हो जाए। देखिए इस तरह। अब ये क्रिस्पी ब्राउन हो गया, अब इसको ऐसे ही निकाल देंगे। जितने भी आपके पास जितने भी ब्रेड के छोटे छोटे स्लाइस होंगे, जितने भी आपने काटा, उसको डीप फ्राई करके ऐसे ही क्रिस्पी ब्राउन, जैसे मैंने आपको दिखाया है, वैसे ही आप क्रिस्पी ब्राउन उसको करके निकाल दीजिएगा। सकते हैं आप, ये क्रिस्पी ब्राउन हो गया। ऐसे ही डीप फ्राई करके उसको निकाल दीजिएगा। उसके बाद उसको मैं जो जो प्रोसीजर है वो मैं बताता रहता हूँ आप लोगों को। लेकिन ऐसे ही वो क्रिस्पी फ्राई होगा, तब जब इसके अंदर दूध जाएगा, क्रीम जाएगा, तब ये खुलेगा। खुल के साइड टुकड़ा खूब बड़ा पीस का होगा। यह आपका चीज सिरका तैयार हो रहा है, जो आपके इसमें साइड टुकड़ा में पड़ेगा। सिरका तैयार हो गया, इसके अंदर चीनी, पानी और मछली छाप रंग है, जो इस ये साइड टुकड़ा बनेगा उसी में डिप होगा। देख सकते हैं जो सिरका हमने बनाया था, वो एक परात में रख लेते हैं, उसको नीचे हीट प्रोवाइड करेंगे, और परात में जितने वो सिरके थे उसको इसके में डाल लेंगे। और इसी में जो आपका जो आपने फ्राई किया है ब्रेड का छोटा छोटा स्लाइस, वो इसी के अंदर डिप होगा। जब इसी के अंदर डिप होगा तो वो पूरा रस इसके अंदर एब्जॉर्ब करेगा, तभी वो मीठा लगेगा आपका साइड टुकड़ा। देख सकते हैं कि साइड टुकड़ा उसके अंदर डल चुका है। अब देख सकते हैं काफी उबाल आ रहा है, चाशनी जो था उसके अंदर उबाल आ गया है। और इसी के अंदर धीरे धीरे चाशनी से जितनी उसका रस था, वो सब इस ब्रेड के स्लाइस के अंदर चला जाएगा। और इसको हर 5-6 मिनट के अंदर इसको पलट दिया जाएगा कि दोनों तरफ इक्वल क्वांटिटी से रस अंदर चला जाए। और उसको जब वो हो जाएगा, उसको उतार के नीचे रख दिया जाएगा थोड़ा कूल डाउन होने के लिए, कूल डाउन होकर छोड़ दिया जाएगा। उसके बाद उस पर क्रीम का कोटिंग किया जाएगा। तो यहाँ पे अपना क्रीम का कोटिंग लगना स्टार्ट हो गया है, और क्रीम को एक झटके से, जिस तरह कर रही है, झटके से मारा जाता है कि क्रीम अंदर तक चला जाए। क्योंकि क्रीम ही ज़्यादातर उसमें यूज़ किया जाता है, कि क्रीम ही रहता तब साइड टुकड़ा आपका अच्छा लगता है। तो इस पर कोटिंग होगी आपका काजू, किशमिश, बादाम, पिस्ता, चेरी
और काफ़ी चीज़ों की कोटिंग की जाएगी। मैं वीडियो में वीडियो देखते रहिए, आपको पता चल जाएगा। पहले तो भरपूर जितनी क्रीम रहेगी वो सब क्रीम शाही टुकड़े के ऊपर अच्छे से पड़ जाएगी। यहाँ पे आप गया बादाम, छोटा छोटा बारीक कटा हुआ बादाम, उसकी कोटिंग की जाएगी। ऐसे ही स्प्रिंकल कर दिया जाता है ऊपर से, क्योंकि काफ़ी ऑयली ऑयली रहता है, तो इसलिए जो ड्राई फ्रूट्स रहते हैं वो काफ़ी अच्छा रहेगा खाने में। और यहाँ पे आप आ गई है, काजू की कोटिंग की जाएगी, ऐसे ऐसे स्प्रिंकल कर दिया जाएगा। ऐसे नहीं, ये डिज़ाइन वजाइन नहीं बनेगा, बस ऐसे स्प्रिंकल कर दीजिएगा। बादाम जितना रहेगा उतना स्प्रिंकल, वो छोटे छोटे स्लाइसेस में, जो स्लाइसेस में कटी रहनी चाहिए, ये नहीं बड़े बड़ा स्लाइसेस में कटी रहेगी, वो अच्छा रहेगा आपके लिए। और फिर आ गया आपका किशमिश, किशमिश की भी कोटिंग रहेगी। और यहाँ आप आ गया पिस्ता, इसकी भी कोटिंग की जाती है। देखिए, काजू, बादाम, पिस्ता, चेरी और किशमिश, हर एक चीज़ की मतलब कोटिंग की जाएगी। चेरी में आपका जैसे एक लाल चेरी होता है, एक हरा चेरी रहता है, तो मैंने लाल चेरी प्रिफर किया था कोटिंग करने के लिए, क्योंकि ग्रीन वाली चेरी रहती है वो अच्छी नहीं रहती है। ये लाल लाल चेरी, इसके ऊपर से कोटिंग हो रही है। लिटरली देखिए काफ़ी कितना खूबसूरत लग रहा है, खा देख कर ही मुँह में पानी आ गया। लिटरली काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, जैसे लाल लाल जो चेहरे ऊपर से पड़ रही है उसे देख कर ही काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। तो ऐसे ही ये प्रोसीजर है आपका शाही टुकड़ा घर पे बनाने का। पूरा ये मैंने जो आपको दिखाया है पूरा प्रोसीजर है शाही टुकड़ा का बनाने का, एक ट्रेडिशनल तरीका है पूरा शाही टुकड़ा बनाने का। होप यू इन्जॉय दिस वीडियो। इफ़ यू इन्जॉय दिस वीडियो तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक इस फैमिली के हिस्से से नहीं जुड़े हैं तो ये जो नीचे सब्सक्राइब करने का बटन है इसे दबा के इस फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। तो मिलते हैं तब तक नए वीडियो में।